हेलो नूरी, कौन? मैं शौर्य। कौन शौर्य? वो आपके ऑफिस में काम करता हूँ। ऑफिस वाला? हाँ। ओ वो चश्मेश? हाँ वो नहीं डेटाबेस में आपका नंबर देखा था तो सोचा फोन करके पूछ लूँ। क्या? नहीं वो अगर सोचा फोन करके पूछेगा लेकिन ये नहीं सोचा क्या पूछेगा? नहीं नहीं यार सोचा है। क्या सोचा चश्मेश? नहीं मैंने अच्छा आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या चश्मेश लोगों से? शादी नहीं करेगा? नहीं, कर सकते हैं। पक्का? हेलो आपको खाना खाना पसंद है? तो मुझे दोबारा फोन मत करना।
आवाज सुनी तुमने? कौन सी आवाज? ये कौन है? डरा गया मुझे. No, ऐसे नहीं होता. That's not how things work. मुझसे शादी कर. यार मुझसे शादी कर. पागल है क्या? क्यों? क्यों? कैसे? कैसे? क्यों नहीं? Marry me. अच्छा फिर यहाँ रहेंगे इस घर में? Of course not. Shift हो जाएंगे हम कहीं. मैं ले लूँगा कि नया घर. नया शौर्या हमारे पास पैसे नहीं है. यार I'll arrange ना I'll arrange for something. नहीं ऐसे नहीं होता शौर्या. This is not some. नूरी हो जाएगा. Please marry me. मैं दो दिन में निकल रही हूँ. मैं दो दिन में निकल रही हूँ. हाँ तो मैं कल कर ले लूँगा ना. No, no, what? We can't. Noorie, Noorie, tell me one thing. Do you love me? Yes, I do. बस, I love that's you. That's it. That's it. बाकी सब हो जाएगा. I love you. Noorie, हमारा घर होगा. वन बी एच के वन रूम चल रहा है. कुछ बजट तो ज्यादा नहीं है. अभी 15 के आसपास है. सैलरी मिलेगी तो थोड़ा कर लेंगे. प्लीज सर थोड़ा ट्राई कीजिए ना. प्लीज थोड़ा प्लीज हेल्प कीजिए ना सर. सीरियसली 15,000 में तो कोई चांस ही नहीं है सर. क्या बात कर रहे हैं आप? थोड़ा बाद में कर देंगे एक महीने सर. वन रूम किचन का बजट ही 20,000 है. 15,000 में कहाँ ढूंढ रहे हैं आप? और वो भी इस एरिया में. आसपास कोई मिल जाए थोड़ा. सर पॉसिबल ही नहीं है. मैं कह रहा हूँ ना आपको. थोड़ा अर्जेंट है सर. और कुछ नहीं है. देखिए सर अर्जेंट हो कुछ भी हो पॉसिबल नहीं है सर. 15 सर दो हफ्ते में सैलरी आएगी तब कुछ कर लेंगे सर. अभी दो हफ्ते बाद आ जाएगा ना. 15,000 में कैसे होगा? प्लीज सर सर अर्जेंट है. आप थोड़ा हेल्प करेंगे. हम श्योर सर आप करेंगे हो जाएगा. अच्छा चाहिए कब? आज चाहिए सर. शाम तक शिफ्ट होना. आज शिफ्ट होना वही सर. थोड़ा अर्जेंट हो गया है सर. प्लीज प्लीज सर सर आप डिपॉजिट है आपके पास में? अभी नहीं है सर. बट वही सर सैलरी आएगी तो तब तब कुछ कर लेंगे सर. शौर्य जी डिपॉजिट आपके पास में है नहीं. 15,000 का बजट आप लेकर के चल रहे हैं. आज के आज आपको चाहिए सर. आप नहीं हो पाएगा. एक्चुअली मैं शादी कर रहा हूँ तो इसलिए अर्जेंटली शिफ्ट होना. तो मत कीजिए ना शादी सर. प्लीज नहीं हो पाएगा. प्लीज थोड़ा हेल्प करें सर. हो जाएगा सर. मैं वेट सर. भाई साहब वो फ्लैट चाहिए ना फाड़ी. हाँ मैं देता हूँ आपको. कौन बजा किधर? इधर ही बगल में. आओ ना सर. कोई टेंशन नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना वैसे फ्लैट में इतना? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. आप बिंदास रहो. 3 महीने तक कोई बोलने वाला नहीं है. नया बना हुआ फ्लैट है ना. आ जाओ सर. चाचा थोड़ा कम सुनाई देते. बिल्डिंग इतनी खाली से कोई रहता नहीं? नहीं सर. 2 साल से तो बिल्डिंग बनके तैयार है. बट वो कुछ लीज इसका चक्कर हो गया. उसी नहीं मिल पाई तो कोर्ट में कुछ लफड़ा है. वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं? आप रहो आराम से.
नहीं जावेद भाई ना उन्हीं का फ्लैट है, वो लेके रख दिया, कभी आते भी नहीं, हम लोग कभी लंदन ले आते अपना खेल लेते हैं। प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना उनका जावेद भाई? नहीं 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 कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वो कभी आते ही नहीं, मैं ही देखता हूँ सब कुछ। और अपना बढ़िया मॉर्निंग में वो आ जाता है अपना पानी भर लेना आप, और लाइट 24 घंटे, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, प्रॉब्लम नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम ही नहीं सर, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं हूँ ना सर, कोई दिक्कत ही नहीं। किचन है, इधर फ्रिज है, हीटर है, सब। अपना दूसरा बेड, ये बेडरूम है, उधर अटैच लैट्रिन बाथरूम है। सर दूसरा बाथरूम, सर वो लाइट ट्रिप हो गया, मतलब बाहर ठीक है क्या? घर जाऊँ, कुछ अर्जेंट काम है।
Noorie, Noorie, listen, listen. Listen, I'm coming. I'm coming. I'm on my way. Coming. Come on. Please. हेलो मुझे एक कोई चाबी या कुछ ऐसा कोई बनाने का नंबर चाहिए, हमारा दरवाजा अटक गया। नहीं, मुझे कोई चाबी कोई लॉक बनाने वाले किसी का नंबर प्लीज आप भेजिए जल्दी, मैं उसमें अटक गया, लॉक टूट गया लॉक। यस लॉक्समिथ। या प्लीज आप मैसेज भी कीजिए उनको कॉल करने को, जल्दी आप थोड़ा लिसन। हेलो मेरी बैटरी थोड़ी लो है, प्लीज थोड़ा जल्दी अर्जेंट भेज सकते हैं। मैं आपको नंबर तभी भेज देता हूं मिस्टर शौर्या। थैंक यू। और एक खुशखबरी देना चाहूंगा मैं मिस्टर शौर्या आपको कि आप फ्री मूवी टिकट दे सकते हैं। लिसन जस्ट प्लीज सेंड द नंबर फास्ट। थैंक यू। हेलो, ये मुझे कोई चाबी बनाने वाले का नंबर, सॉरी आप उसको भेज सकते हैं क्या, चाबी बनाने वाले को? आपको चाबी बनवानी है, ताला खुलना है? नहीं, मेरा ये लॉक अटक गया है, मैं अंदर से लॉक टूट गया है हमारा और चाबी बाहर आ गई है। चाबी बाहर आ गई है, ताला तोड़ना पड़ेगा, तो प्लीज आप किसी को भेज सकते हैं? आप
ये प्रभा देवी एरिया में, प्रभा देवी में सिद्धि विनायक, हेलो, हाँ ये सिद्धि विनायक के, नो God! Hello!
वॉचमैन। Thank you.
Thank you.
है क्या? ये स्वर्ग अपार्टमेंट है? हाँ। यहाँ कोई रहता है? कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता यहाँ पे? हमें 2 साल हो गए नौकरी करते हुए, इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता। अब जाइए।
The evolution of Homo sapiens is a truly remarkable event. And as we know from Charles Darwin, it's all about survival of the fittest. Now, what would I do if I was exploring the wilds? And I'd run out of supplies. Say I was in the Sahara Desert or the Amazon rainforest, or even trapped in a small room. What would I do for that vital source of nourishment? I'll tell you, a cockroach. Now, this little fella is packed full of protein. Not only that, it can survive for 1 month without food. You, my friend, you can't. So what do I suggest? I suggest taking this, putting it on the end of your tongue, and...
कभी नहीं खाया चिकन? नो, कभी नहीं. क्यों? बचपन से नहीं खाया कभी, घर में भी कोई नहीं खाता. क्यों? अगेंस्ट रिलीजन. बट आई हैव रिलीजियस फ्रेंड्स, वो तो खाते हैं नॉनवेज. या सो देयर बैड कर्मा, वो निकलेगा कभी. तो मेरा भी बैड कर्मा होगा क्योंकि मैं चिकन खा रही हूँ. नॉट सेइंग दैट. तुम तो यार नाइस गर्ल ना, द वॉइस सो बैलेंस हो जाता है. एंड यू आर अ बैड गाय, बट तुम चिकन नहीं खाती तो बैलेंस हो जाता है. आर यू वन ऑफ दोज पीपल जो यू नो बीफ बैन, मीट बैन? हाँ आई थिंक ठीक है. कैसे ठीक है? वो तो फ्रीडम ऑफ चॉइस, वो मेरा चॉइस है ना कि मैं खाऊं या ना खाऊं. तुम कौन होते हो बोलने वाले बीफ मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत करो? हु आर यू टू से दैट, और यू आर एनी वन फॉर दैट मैटर? लिसन, मैं तो नहीं बोल रहा किसी को जाके. आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट. मुझे नहीं पसंद है तू. And it's wrong. Why? Why do you have to kill somebody? It's not wrong. It's not wrong. तुमने देखा नहीं wild में क्या होता है? जानवर जानवर को खा देता है. क्योंकि वो हम ही तो जानवर हैं. तुमने कभी देखा है शेर को आलू बॉईल करके खाते हुए? वो नहीं खा सकता. But we can eat this. किसी को जान से मार के खाना? And have you seen those videos? कैसे मारते हैं? वो ठीक है? बिल्कुल. तुम्हारे घर में मैं किसी को बोलूँ कि मुझे अच्छा लगता है, मैं मार के खा लूँ, तुम कहोगे खा लो? He'll defend himself. हाँ वही तो. जस्ट बिकॉज दे कांट स्पीक, उनको मार दो, काटो. जस्ट बिकॉज इट्स यमी, दैट्स देन इट वाज स्ट्रेंज टू मी. जोक सुनो. एक बार ऐसे बहुत सारे चूहे इकट्ठे साथ में बैठे हुए थे, तो आपने कैसे सेक्सी सी एलिफेंट क्रॉस हुई. पता है तेजा चूहा क्या बोला? बोला थिंक देख 36,000 24,000 36,000. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. जी चैट विद रैट में आप सबका स्वागत है. सुन रहे हो ना आप लोग? तुझे सुनाई दे रहा है? यहां किसी को सुनाई नहीं देता है. देख वॉचमैन,
क्या प्लान है, क्या करना है? फिर ये तो इस लाइफ में टूटेगा नहीं, फिर किसी भी कूद नहीं सकते हैं। आवाज लगे तो कोई फायदा नहीं, सब बहरे नीचे, किसी को सुनाई नहीं देता है। और क्या पता सुनाई भी देता है तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बस एक ही ऑप्शन है, वो जो 30th floor पे बालकनी है ना, उसमें ग्रिल नहीं है। और वहां तक जाने के लिए पहले अपनी ग्रिल को काटना पड़ेगा। अपनी ग्रिल काटने के लिए क्या है हमारे पास? वो फैन का ब्लेड है जो खुद ही कट जाएगा। ट्यूबलाइट का स्टार्टर है, एसी का एक वो कटर टाइप है, और अपना वो पैन है बस। बाई चांस उससे ग्रिल कट भी गई ना, 5 floor तक नीचे जाना पड़ेगा बिना किसी हेल्प के। गलती से भी हाथ स्लिप हो गया ना एक बार, तो सीधा वॉचमैन। इसकी कोई गारंटी नहीं कि उस फ्लोर का दरवाजा खुला होगा अगेन, वो भी एक चांस है। कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हाँ, थोड़े दिन में पानी खत्म हो जाएगा, तेरा तो पता नहीं, तू तो किसी पाइप वाइप से निकल जाएगा, मैं ही मर जाऊंगा। नहीं मरना है मुझे, कुछ भी हो जाए इधर नहीं मरना है, बाहर जाना है यार। गर्म गर्म से पाव भाजी खानी है, से मक्खन तैर रहा है उस पे, चौपाटी बजा के नहाना है, गोला खाना है ठंडा ठंडा। ऐसे लोकल ट्रेन में बिल्कुल बीच में खड़ा होना है, एकदम पसीने में, बदबू में, धक्के खाने हैं लोगों के, कंडक्टर के साथ अथपाई करनी है, लड़ाई करनी है। ऑफिस जाना है, नौकरी से मिलना है, शादी करनी, बहुत सारे छोटे छोटे नूरी और शौर्य पैदा कर गए। इधर नहीं मरना है, Oh.
Thank you.
also looks into you. Well, what I say is, if an abyss looks at you funny, punch the abyss in the face. In this episode, we're exploring the Indonesian jungle. This really is the heart of darkness, where people fear to tread, and those that do never come back alive. In this jungle, we're going to find giant lizards, flies the size of my fist, alligators the size of buses, and birds the size of cars. Are you ready for that? Because let me tell you, what you don't know is going to get you killed.